Hello students, in the last video we have studied block diagram reduction techniques and today we will solve some numericals on block diagram reduction techniques. So first numerical is, suppose there is one block diagram is given to you, okay, there is an adder and there is a gain of 10, then there is another adder, okay, now there is another block which having the gain of 3 upon 2s plus 1, then there is output cs, okay, and the input is rs. Now there is a feedback from output to input, okay, there is a negative feedback and this feedback having unity value, unity gain, so there is a unity negative feedback, okay. So this question is given to us and one more input is there, which is r1s. Okay, now our question is, we need to find out CS upon R1S. Okay, this is our question, CS upon R1S. यहां पर आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि CS upon RS कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है CS upon R1S. Okay, so here signs are not given, so positive and positive. Okay, now if we want to calculate CS upon R1S, so हमें एक पॉइंट दिमाग में रखना है जो नेटवर्क थ्योरी से निकल कर आता है, that is called superposition theorem. When more than one input are given and if you need to consider only one input, then other input will be turned off or you can say zero. So अगर आपको यहां पर R1S को consider करना है तो आपका जो RS है वो क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, आपको RS को consider नहीं करना है. तो जब आप सॉल्यूशन पार्ट करेंगे इसका, सो आपका फिगर क्या हो जाएगा, देखिए आप इस एडर को, यहां पर दो इनपुट है, एक है आरएस और एक है आपका जो फीडबैक से आ रहा है, ओके, अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी है तब तो मुझे एडर की जरूरत है, पर जब सिर्फ सिंगल वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि आरएस तो जीरो हो जाएगा, तो जो सिर्फ फीडबैक से आएगा वही वैल्यू रह जाएगी, तो देयर इज नो नीड ऑफ एडर. ओके, सो यहां पर क्या हो जाएगा, सपोज करिए ये आपका 10 है, यहां पर आपका जो एडर प्रीवियसली लगा हुआ था विथ R1S, ओके, आपका एक ब्लॉक सेम का सेम रह जाएगा यहां पर 3 अपॉन 2s प्लस 1 एंड लास्ट आउटपुट इज CS. ओके, जो आपका यहां फीडबैक है, आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो आपका फीडबैक है यहां पर वो इस तरह से जा रहा है, 1 था फीडबैक, लेकिन आपको यहां पर ये पॉइंट समझना होगा कि जो फीडबैक था वो आपका नेगेटिव फीडबैक था, ओके, so its value is not 1, its value is minus 1, okay, so आपको ये point clear रखना होगा, ये value क्या हो जाएगी आपकी, minus 1, so ये आपका feedback यहां से connect हो जाएगा, okay, so आप यहां पर समझिए कि ये जो 10 और minus 1 है, दोनों आपके cascade में है, so जो overall gain है आपका, वो कितना हो जाएगा, minus 10, so अगर हम लोग circuit को redraw करते हैं यहां से, ठीक है, तो आप देखिए ये गेन हो जाएगा आपका माइनस 10, ओके, देन देयर इज अ एडर, एडर इनपुट इज R1S, ओके, देन देयर इज अ ब्लॉक, देन फाइनली आउटपुट, व्हाट इज द गेन ऑफ ब्लॉक, द गेन ऑफ ब्लॉक इज 3 अपॉन 2s प्लस 1, सो 3 अपॉन 2s प्लस 1, एंड जो आपका फीडबैक है वो इस तरह से आपका कनेक्टेड है अगेन, ओके, सो ये आपका फीडबैक हो गया. नाउ अगर आप ध्यान से अब समझे, यहां पर आपके साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट आपके पॉजिटिव साइंस है, ओके, अगर आप देखिए यहां पर आपको R1S से CS तक जाना है, दैट इज योर फॉरवर्ड पाथ, मींस इनपुट टू आउटपुट, तो जो आपका प्लांट गेन है, जो G है, जो फॉरवर्ड पाथ गेन है, वो कितना है आपका, G है आपका 3 अपॉन 2S प्लस 1, ओके, नाउ जो आपका H है एक्चुअल में वो कितना है आपका, माइनस 10, क्योंकि देखिए आप H क्या है आपका, जो फीडबैक जा रहा है, देखिए एडर तक पूरा फीडबैक गया है आपका, दैट इज माइनस 10, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं जो फीडबैक है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है, G अपॉन 1 माइनस GH, ओके, सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अपॉन 2s प्लस 1 इनटू माइनस 10,
ओके सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ओके सो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा यहां पर ओके अगर आप देख पाए यहां पर तो यहां पर आपका आंसर जो है फिर से प्लस ही आ रहा है जो कि आपको मिलता था नेगेटिव फीडबैक में। अगर आप यहां पर चाहते तो इस माइनस साइन को आप सीधा फीडबैक में भी लिख सकते थे तो आपका फीडबैक क्या हो जाता नेगेटिव हो जाता और यहां पर आप प्लस 10 लिख देते तो मतलब आपका वही रहता क्वेश्चन में। आप चाहे माइनस इस पोजीशन पे लिखिए एडर पे या आप चाहे माइनस 10 लिखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज किस में हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा ओके सो ये जो क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो आंसर है वो हमारा कैलकुलेट हो गया है ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी एडर को रिमूव करें तो आप यहां अच्छे से देख लें कि एडर के साथ जो फीडबैक आ रहा है या जो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं एडर में वो माइनस के साथ है कि प्लस के साथ है। अगर वो माइनस के साथ है तो उनके गेन में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हमने यहां पर 1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि यहां पर आपका नेगेटिव फीडबैक था ओके सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें 2 डिफरेंट ब्लॉक डायग्राम्स गिवन है लेकिन हमें यह कहा गया है कि दोनों ब्लॉक डायग्राम्स का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका सेम है ओके सो मैं यहां पर फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ओके सो दिस इज योर फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम देयर इज वन एडर ओके देयर इज आउटपुट सी एस नाउ देयर आर 2 ब्रांचेस विच आर इन पैरेलल ओके सो गेन इज 20 हियर नाउ दिस 2 ब्रांचेस आर इन पैरेलल This is your first branch and this is your second branch. Okay, sign is positive and positive. Okay, जो इसका जो transfer function है और जो आपका second block diagram है उसका जो transfer function है ये हमें same given है question में. Okay, 20s plus 24 divided by s plus 3. Okay, this is your output cs and this is your input rs. Okay, so हमें question में पूछा गया है कि value of p क्या होगी? If both transfer functions are equal, okay? So इसका transfer function तो मैं direct दिख रहा है यहाँ पर 20s plus 24 divided by s plus 3, okay? अगर हम इसका transfer function calculate कर लें यहाँ से, तो हम लोग value of p calculate कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो first block diagram है, वहाँ पर आपकी दोनों branches क्या हैं? Parallel में हैं। मैंने last video में आपको बताया था, parallel branches कैसे identify करनी है आपको? मैंने क्या कहा था? कि अगर दोनों ब्रांचेस के इनपुट सेम हो जो कि यहां पर आरएस और आरएस है एंड दोनों ब्रांचेस एक ही एडर पे क्या हो रही हो एंड हो रही हो तो वो क्या होंगी आपकी पैरेलल में होंगी। तो हम यहां देख सकते हैं सॉल्यूशन पार्ट में ये क्या हो जाएगा आपका p अपॉन s प्लस 3 प्लस 20 पैरेलल में ब्रांचेस क्या होते हैं आपके गेन क्या होते हैं एड होते हैं आपके ओके सो ये कितना हो जाएगा p प्लस 20s प्लस 60 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 ओके ये आपका किसके इक्वल है ये आपका इक्वल है 20s प्लस 24 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 ओके सो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट क्या है आपका सेम है s प्लस 3 ओके 20s भी आपका क्या है दोनों में सेम है इसका मतलब क्या है कि p प्लस 60 आपका किसके इक्वल है 24 के इक्वल है तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ पी ओके सो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था आपका। जैसा मैंने आपको वीडियो के टाइम पे भी बोला था कि ब्लॉक डायग्राम में बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स नहीं आते हैं आपको सिर्फ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लॉजिक अप्लाई करना है दैट्स इट ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम गिवन है और आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है उस ब्लॉक डायग्राम का ओके So, यहां पर मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं हमें इस ब्लॉक डायग्राम का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चाहिए ओके यहां पर आपका एक फीडबैक कनेक्टेड है विथ गेन 8 ओके और ये आपका फीडबैक पहले इस एडर में जा रहा है आपका विथ माइनस ओके एंड देयर इज अनदर गेन 2 ओके एंड आपका सेकेंड एडर में भी जा रहा है आपका फीडबैक अगेन विद द माइनस साइन तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां पर ब्लॉक डायग्राम। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एस अपॉन आर एस ओके ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो फीडबैक है वहां पर आपके दो दो ब्लॉक्स हैं एक ब्लॉक है आपका गेन विथ 8 एंड सेकेंड ब्लॉक है गेन विथ 2
ओके अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इस पूरे डायग्राम को तो आप देखिए जो सीएस है वहां से आपका फीडबैक स्टार्ट हुआ है ओके और आपका पहले फर्स्ट एडर में चला गया वो ओके विद गेन 8 ओनली फिर ये सेम फीडबैक ही आगे कंटिन्यू कर रहा है ना आपको ये बात समझनी है कि आपका जो फीडबैक सीएस से स्टार्ट हुआ है वो एंड एक्चुअल में कहां पर हो रहा है वो फर्स्ट एडर पे जाके एंड हो रहा है इसकी मीनिंग क्या है कि जो ये आपका ये वाला एडर है जिसको आप मान लीजिए सेकेंड एडर बोल रहे हैं तो ये जो आपका सेकेंड एडर है वहां पर सिर्फ गेन 8 के साथ जा रहा है फीडबैक लेकिन जो आपका फर्स्ट एडर है वहां पर वो गेन 16 के साथ जा रहा है आपका ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए लॉजिक क्लियर है ना आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो सेकेंड वाला एडर है उसमें गेन 8 जा रहा है और जो फर्स्ट वाला एडर है उसमें गेन 2 जा रहा है नहीं आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि फीडबैक हमेशा कहां से चालू होता है आउटपुट से तो फीडबैक आपका आउटपुट से ही स्टार्ट हुआ है और वो फाइनली ये फर्स्ट एडर तक जा रहा है आपका बीच में गेन 8 को आपको इस सेकेंड एडर को आपने दे दिया है ओके ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो अब अगर मैं इस सर्किट को और आप कह सकते हैं इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं तो यहां पर ये आपका आरएस है ओके देयर इज फर्स्ट एडर ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है 2 ओके देयर इज सेकेंड एडर फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है आपका 4 देयर इज आउटपुट सीएस अब आप देखेंगे यहां पर ये आपका जो गेन 8 के साथ है ये आपका चला गया विद नेगेटिव फीडबैक ओके नाउ सेम आपका आप अगर दोबारा ड्रॉ कर दें इसे तो ये जो आपका गेन 16 के साथ है वो आपका जा रहा है फर्स्ट एडर में ओके विद अगेन नेगेटिव फीडबैक तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में ओके सो पहले आपको डायग्राम को रीड्रॉ करना आना चाहिए क्लियर है पॉइंट ठीक है नाउ दोनों ही आपके नेगेटिव फीडबैक है अगर आप पहले स्मॉलर लूप को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इज जी एंड 8 इज एच तो कितना हो जाएगा आपका स्मॉलर लूप को सॉल्व करने पर जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे T1 नाम दे दूं तो ये हो जाएगा आपका 4 क्या है आपका G है और 8 क्या है आपका H तो क्या होता है आपका G अपॉन 1 प्लस जी एच तो 4 अपॉन 1 प्लस 32 दैट इज 4 बाय 33 ये आपका आ जाएगा T1 अब इसे आप अगर डायग्राम में पुट कर दें तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा डायग्राम आपका जो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ गेन है वो कितना है आपका 2 है सो यहां पर आप 2 लिख दीजिए ओके सेकेंड सॉल्व करने पर आपका कितना आया है यहां पर 4 बाय 33 आया है ओके फिर आपका जो फीडबैक है वो कितना है आपका यहां पर 16 है ओके सो आपने 16 फीडबैक में डाल दिया तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 एंड 4 बाय 33 आपके किस में है कैस्केड में है दोनों क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई तो T2 अगर मैं इसे नाम दूं तो T2 के लिए जो आपका G है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 बाय 33 और 1 प्लस जी एच कितना हो जाएगा फिर से 8 बाय 33 जी और H कितना है आपका 16 है ओके सो 2 इंटू 4 बाय 33 ये आपका G था 8 बाय 33 एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या होता है 1 प्लस जी एच तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से और T2 ही आपका क्या होगा फुल एंड फाइनल आंसर ओके क्लियर है तो इस तरह से हमें इस तरह के सर्किट को और इस तरह के ब्लॉक डायग्राम्स को सॉल्व करना है ओके नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 4 यहां पर हमें अगेन एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम गिवन है फर्स्ट ब्लॉक का गेन है आपका G1 देन अगेन आपका एक एडर है देन सेकेंड ब्लॉक है जिसका गेन है G2 देन अगेन एक एडर है आपका ओके देन फाइनली देयर इज अ आउटपुट ओके नाउ देयर इज अ वन मोर ब्रांच स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट ओके जो कि आपके पहले फर्स्ट एडर में जा रही है देन वो आपके सेकेंड एडर में जा रही है ओके नाउ दिस इज योर इनपुट आर एस ऑल साइंस आर पॉजिटिव इन द एडर ओके नाउ हमें फिर से यहां पर सी एस अपॉन आर एस कैलकुलेट करना है ओके तो यहां पर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को तो यहां पर आर एस जो है आपका आर एस से आपकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं ठीक है ना ये दिस इज योर फर्स्ट ब्रांच G1 G2 वाली और सेकेंड ब्रांच सेकेंड ब्रांच पे कोई गेन गिवन नहीं है दैट इज 1-1 है आपका ओके नाउ इफ टू ब्रांचेस आर देयर फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट और वन इनपुट
and they are ending at one adder. That means these two branches are in parallel. लेकिन आपको ये पॉइंट समझना होगा, ये क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके दो दो एडर हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट को देखिए, आप देखिए आपका G1 है एक ब्रांच का गेन, ओके, जो कि RS से स्टार्ट हो रही है। दूसरी ब्रांच का गेन आपका क्या है, 1 है, ठीक है। ये भी जो है आपका, ये यहां पर एंड हो रहा है आपका, ओके। इसका मीनिंग क्या है आपका, कि ये G1 और 1 किस में होंगे आपके, पैरेलल में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का, G1+1, ओके। अगर आप लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं यहां पर, तो लास्ट क्वेश्चन में सेम तरीके से जो डायग्राम था उसमें फीडबैक था, यहां पर ये सेम तरीके से जो डायग्राम है आपका उसमें आपका फॉरवर्ड पाथ है, ओके। जो सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो नीचे वाली लाइन है आपकी, ओके। सो यहां पर आप समझिए, ये जो RS से आपकी जो ब्रांच स्टार्ट हो रही है वो जा तो पूरी लास्ट एडर तक ही रही है, बीच में इस वाले एडर को भी आप गेन दे रहे हो, इस वाले एडर को भी आप प्रोवाइड कर रहे हो गेन, ओके। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट का तो आंसर आ जाएगा G1+1, लेकिन ये जो ब्रांच है वो लास्ट तक भी जाएगी जाएगी, ओके। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, देखिए दिस इज योर G1+1, ओके। देन इस एडर का रोल ऑफ फिनिश हो गया, जो आपका फर्स्ट एडर था, ये आपका कंटिन्यू कर जाएगा, देन ब्लॉक इज G2, देन आपका जो लास्ट एडर है वो अभी भी प्रेजेंट होगा, एंड आउटपुट इज CS। और ये जो आपका है ब्रांच, वो अब कहां तक जाएगी, पूरी की पूरी लास्ट एडर तक, जो ऑलरेडी जा रही थी आपकी, आप फिगर में देख सकते हैं, ये ब्रांच जो है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होके पूरी लास्ट तक जा रही थी, आप बीच में इस एडर पर भी अप्लाई कर रहे थे, तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो यहां तक जा रही है लास्ट एडर तक, उसको आप एज इट इज रहने दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा कि ये जो ब्रांच है आपकी दिस वन, जिसका गेन क्या है आपका G1+1 × G2, एंड जो ये ब्रांच है जिसका गेन क्या है 1, ये दोनों किस पे होंगी आपकी, पैरेलल में होंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, G1 G2+G2+1, दिस इज योर कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन, ओके, ठीक है ना। ये दोनों आपके कैस्केड में थे तो मल्टीप्लाई हो गए, ओके, और आपका 1 पैरेलल में था तो ऐड हो गया, ओके। सो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आई होप क्लियर होंगे आपको न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिग्नल फ्लोग्राफ स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दैट सिग्नल फ्लोग्राफ के अंदर ही हम देखेंगे कि किसी भी ब्लॉक डायग्राम को हम किस तरह से सिग्नल फ्लोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो हम लोग ब्लॉक डायग्राम के और भी क्वेश्चन कंसिडर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट हम उसे सॉल्व करेंगे वाया सिग्नल फ्लोग्राफ, ओके। अगर आज के क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।